टिकुरी 32 गांव के लाठी कांड का मास्टरमाइंड है क्या गांव का ही सरपंच? आए रे, आए आए रे। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं तत्काल संदेश निवेदिता के साथ। आइए चलते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के गढ़ थाना अंतर्गत टिकुरी गांव की है, जहां कल दो गुटों में लाठी चलने से दर्जन भर लोग जख्मी हो गए। घटना की जानकारी देते हुए लोगों ने बताया कि इस विवाद की सबसे बड़ी जड़ गांव का सरपंच है। आपको बता दें कि विगत कई माह पूर्व सरपंच पद का चुनाव हुआ था, वहां पर एक हरिजन ही चुनाव जीतकर सरपंच बना था। सूत्रों की ओर लोगों की माने तो जातिगत विवाद फैलाने का मास्टरमाइंड ही सरपंच है। सोशल मीडिया में एक ऑडियो वायरल हो रही है, जिसमें बताया गया है कि सरपंच की आईडियो है अब गांव के ही किसी पंडित से, वह बता रहा है कि उनको समझा दूं नहीं तो SC/ST एक्ट लगवा देंगे। और यहां तक नहीं रुका, गरीबों की गरीबी का फायदा उठाते हुए जागरूक सरपंच ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि जब लोगों को 1.5 लाख रुपए मिलेंगे तो वह गुंडागर्दी करने में ही उतारू हो जाएंगे। आपको बता दें कि सरकार के द्वारा संविधान में दलित शोषित पिछड़ा वर्गों के लिए SC/ST एक्ट का प्रावधान दिया गया है, लेकिन आजकल उस एक्ट का जमकर दुरुपयोग किया जा रहा है। इस ऑडियो से स्पष्ट हो रहा है कि सरपंच के द्वारा पूर्व से ही प्लानिंग की जा रही थी। हालांकि इस ऑडियो की पुष्टि ना तो मैं ना ही चैनल करता है, यह तो जाँच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। आए रे, आए रे, आए रे, खूनी संघर्ष के बाद संजय गांधी हॉस्पिटल में जख्मी हुए व्यक्ति ने सरपंच पर क्या आरोप लगाया? हॉस्पिटल में तड़प रहे एक व्यक्ति ने साफ तौर पर सरपंच पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि यह सारा कुछ सरपंच का कराया हुआ है। आपको बता दें, जिस रोड का निर्माण किया गया था वह वैधानिक तरीके से गलत थी, लेकिन सरपंच ने इन दलितों को वोट पाने के लिए मनमर्जी तरीके से उसमें रोड का निर्माण कर दिया। और जमीन के मालिक ओम प्रकाश सिंह पुत्र नरेंद्र सिंह ने बताया कि यह मेरी खुद की जमीन है और ना ही मेरे द्वारा इसमें दान पत्र किया गया है, ना ही किसी प्रकार से इसे रोड बनवाने की सहमति दी गई है। सूत्रों की माने तो सरपंच वोट हासिल करने के लिए दलितों को भड़का कर रखा था कि मैंने रोड बनवा दिया है और जैसे ही कोई उखाड़ने या खोदने आता है तो आप भारी तादाद में इकट्ठा होकर उसका विरोध करना, जिससे रोड को उखाड़ नहीं पाएगा। ठाकुर बामन के जमीन में कब्जा करी खनिया सब एक तरफ।